नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कुंडली इजी वे में कैसे सीखा जा सकता है वो सिखाएंगे। कुंडली का बेसिक ही सब कुछ होता है। इसके अंदर आप फ्री कुंडली पूछ सकते हो, कमेंट करके नीचे कमेंट करके फ्री कुंडली पूछ सकते हो, अपने बारे में पूछ सकते हो। स्टोन्स पावर देता है कुंडली को, जो स्टार का मंत्र पढ़ते हैं उससे बुरा स्टार्स को अच्छा कर सकते हैं। ये देखो आपके सामने एक फ़ोटो बना हुआ है, ये ही कुंडली है। कुंडली के 12 खाने होते हैं, ये छोटे छोटे जो बने हुए हैं ये 12 तरह के भाव है, 12 खाने हैं, ठीक है। पहला जो खाना होता है वो अपना खुद का होता है, अपना शरीर होता है, तन। जैसे लग्न लिखा हुआ ना, ये उगता है तन। यहाँ पे एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 12, एक से लेके 12 तक हो सकता है। अभी ये एक नंबर है तो ये मेष राशि हो गई, तो ये लग्न हो गया तन, मेष राशि का तन। ये इसमें अपने भाव का अपने बारे में देख सकते हैं। दूसरा जो खाना होता है वो है संपत्ति के बारे में, अपने धन के बारे में। तीसरा खाना होता है सगे भाई बहन के बारे में। चौथा खाना होता है माता, माँ के बारे में विचार करते हैं और पराक्रम के बारे में। पांचवा खाना संतान, शिक्षा, सेवक के बारे में पता किया जाता है। छह नंबर होता है शत्रुओं के बारे में पता करते हैं, और मामा जो अपना मम्मी का भाई होता है उसके बारे में पता करते हैं। सातवां होता है पार्टनरशिप, साझेदारी के बारे में, मित्रों के बारे में और जीवन साथी के बारे में। आठवां होता है मृत्यु, रोग, दुर्घटना और बैंक से रिलेटेड कार्य। नौवां होता है धर्म और भाग्य, भाग्य से रिलेटेड, भाग्य कैसा चलेगा, कब चलेगा, ये सब आपको इस इजी वे में आगे जो आएगा वीडियोस उसमें बताया जाएगा। दसवां होता है पिता, दंड, राज्य, न्याय, स्वामी, यश, व्यापार के बारे में। ग्यारहवां होता है आय और लाभ के बारे में। बारहवां होता है व्यय, रण और जेल के बारे में, और मृत्यु का मोक्ष।